और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुष्कर सिंह धामी संसद भवन पहुंच गए हैं अपना काफिला छोड़कर अनिल बलूनी के साथ। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में सरकार गठन से जुड़ी हुई, पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री के साथ संसद भवन में बैठक भी शुरू हो गई है और ये बैठक काफी हद तक इस बात को तय करेगी। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है, अनिल बलूनी है और उनके साथ है पुष्कर सिंह धामी जो कि कार्यवाहक सीएम है। हालांकि अपनी सीट से चुनाव नहीं जीत पाए, जिसके बाद संशय बरकरार है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड का अगला चेहरा होंगे या फिर कोई और नाम आलाकमान तय करेगा। और इस बीच आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था और उन बैठकों के बीच में से जो तस्वीर सामने आई है, इसकी सियासत में अपने अलग मायने हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी है, साथ में है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जो कि संसद भवन में पहुंचे हैं और अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन दोनों की बैठक शुरू हो गई। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी संसद भवन पहुंच चुके हैं, अपना काफिला छोड़कर बलूनी की गाड़ी से संसद भवन पहुंचे हैं। अनिल बलूनी साथ में मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं और ऐसे में बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। भाजपा मुख्यालय पर एक बैठक होती है, उसके बाद प्रहलाद जोशी के यहाँ पर एक बैठक होती है और उसके बाद ये तस्वीरें निकल कर आती हैं। संसद भवन में एक बड़ी बैठक होनी है। सीएम का चेहरा कौन होगा, किसके लिए खुशखबरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में वहां पर मौजूद। बिल्कुल गुंजन, देखिए इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसकी सियासत में अपने अलग मायने हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें तब भी देखी गई थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, किसी भी फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। अब जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद काफी हद तक जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता देना भी जरूरी है कि आज सुबह से ही उत्तराखंड बीजेपी की बैठक दिल्ली में चल रही है और इस बैठक में हार पर भी समीक्षा की गई। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। विकास, ये जो बैठक है अब अमित शाह के साथ पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी की, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए इन तस्वीरों से? जी देखिए, ये जो बैठक है तकरीबन 10 मिनट पहले शुरू हुई है और अब कितनी देर तक चलेगी इस पर सबकी नजर रहेगी और बैठक के मायने दरअसल बहुत है। देखिए, अनिल बलूनी उत्तराखंड में संकट मोचक की हैसियत में है। वो जब भी पार्टी पर उत्तराखंड में किसी बड़े बदलाव का या संक्रमण काल आया, अनिल बलूनी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी जब संकट के दौर से गुजर रही है कि मुख्यमंत्री कौन हो और मुख्यमंत्री क्या हारे हुए व्यक्ति को बनाया जा सकता है, इस पर हमने एक पार्टी के बड़े नेता से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि ऐसी कोई नीति पार्टी में तय नहीं है कि हारे हुए व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जाहिर तौर पर दरवाजे अभी भी पुष्कर सिंह धामी के लिए खुले हुए हैं। अनिल बलूनी उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहुंचे हुए हैं। नीति निर्धारण करने वाले बड़े नेताओं में अमित शाह गिने जाते हैं। ऐसी सूरत में यहाँ से क्या रास्ता निकलता है और वो रास्ता किस ओर जाता है, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन इस बैठक से ये मान के चलिए आपके कोई रास्ता जरूर निकले। बिल्कुल, कुछ देर में जो तस्वीर है वो थोड़ी बहुत तो साफ हो जाएगी, जो अभी धुंधली सी नजर आती है। विकास, इस बीच आज सुबह से जो बैठकें चल रही थी उसमें समीक्षा की गई है हार को लेकर, खासतौर पर जो पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हारे हैं उसको लेकर भी समीक्षा की गई। उसके ठीक बाद अमित शाह से मिलना क्या बताता है, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर भी हमने देखी थी। देखिए, पार्टी वहां जीत चुकी है, मुश्किलें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इसके कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। एक परमिटेशन ये भी बनाया जा रहा है कि महिला वोटरों ने इस जीत में उत्तराखंड में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि नहीं, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जो पुरानी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हो गई, तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी को तुरंत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन ये भी चल रहा है कि नहीं, हारे हुए व्यक्ति को नैतिक रूप से मुख्यमंत्री बनाना ठीक नहीं है, इसलिए किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाना चाहिए। तो एक परमिटेशन ये भी चल रहा है कि नहीं, जीते हुए विधायकों में से ही हो, जबकि दूसरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन ये भी बनाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, सांसदों में से भी आप देख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों में से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पार्टी नेतृत्व के पास जिसको कह सकते हैं विकल्पों की भरमार है। अब इन विकल्पों में से एक उम्दा व्यक्ति को चुनकर अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देनी है। जाहिर तौर पर सोच समझकर पार्टी ये फैसला लेना चाहेगी, क्योंकि पिछले 3 फैसले पार्टी को उल्टे पड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाना, उनके खिलाफ काफी एंटी कम्बेंसी हो गई थी। फिर तीरथ सिंह रावत को जब
मुख्यमंत्री पद पर बैठाया तो एक बड़ी चूक की वजह से विधानसभा चुनाव लड़ने से वो चूक गए। फिर पुष्कर सिंह धामी को बैठाया गया, पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए। ऐसी सूरत में पार्टी को बहुत सोच विचार का फैसला लेना होगा जो उत्तराखंड की राजनीति में नए इतिहास को लिखे और बीच में मुख्यमंत्री ना बदलना पड़े। तो जाहिर तौर पर डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है, मुश्किलें ज्यादा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो इसका चुनाव करने में जरूर पार्टी को मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है क्योंकि अगले 5 साल तक कमान सौंपनी है और इतिहास को रिपीट नहीं करना है, मुख्यमंत्री ना बदले इस तरीके का फैसला लिया जाएगा। विकास, ऐसे में ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जितने भी फॉर्मूले आपने बताए, किस फॉर्मूले की ज्यादा प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है कि वो फॉर्मूला लागू हो सकता है उत्तराखंड में आने वाले वक्त में? जी देखिए, अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किस फॉर्मूले पर आखिरकार पार्टी के अलग नेतृत्व के बीच सहमति बनेगी, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि अभी जो लबोलुआब दिख रहा है उसमें इस और ज्यादा पार्टी का नेतृत्व का झुकाव है कि जीते हुए उम्मीदवारों में से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन दूसरे विकल्प भी पार्टी के सामने खुले हुए हैं। इसलिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, आला नेतृत्व की सहमति किस नाम पर या किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बन जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। महिला चेहरे का आपने जिक्र किया था विकास, और ये लगातार सामने आ रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात पर भी विचार कर रहा है कि महिला चेहरे को भी लेकर आया जाए। तो अगर महिला चेहरा आता है तो कौन सा चेहरा होगा, क्या कोई नाम आया है तैरकर अभी ऊपर? ये देखिए, आपने अगर पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड की राजनीति आप देख रहे हैं और आपने महसूस किया होगा कि जिस तरह से रितु खंडूरी के पक्ष में देहरादून बीजेपी कार्यालय में नारेबाजी हुई उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और आज सुबह जब रेखा आर्य दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंची थी, वहां पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि महत्वाकांक्षी होना राजनीति में कोई गलत नहीं है और वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है। तो जाहिर तौर पर ये दो चेहरे हैं जो प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 6 विधायक जीते हैं बीजेपी के, महिला उम्मीदवार जीती हैं, तो लेकिन जो जिनकी वरिष्ठता का आकलन किया जाए तो रितु खंडूरी दूसरी बार है, रेखा आर्य तीसरी बार है, 2 बार से मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर ये वो प्रमुख नाम है जो उभरकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इनमें से भी कोई तीसरा डार्क हॉर्स साबित हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर तौर पर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने की ये कोशिश हो रही है। पार्टी में एक नेतृत्व है जो चाहता है कि महिला वोटरों की बड़ी टर्नआउट की वजह से अगर वहां पर हमारी पार्टी जीती है, अगर बीजेपी जीती है, तो फिर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी क्यों नहीं ये उपहार उत्तराखंड को दे सकती है। विकास, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही थी कि जितने भी विधायकों से बात की गई है उनमें से ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पुष्कर धामी दोबारा सीएम ना बने, एक राय निकलकर सामने आई है, तो इस पर भी विचार करेगा शीर्ष नेतृत्व? देखिए, किसी भी विकल्प पर विचार करने से पहले पार्टी निश्चित रूप से सबका राय मशवरा लेती है, लेकिन राय मशवरे के अलावा भी पार्टी लॉन्ग टर्म में दूरगामी नफे नुकसान का आकलन करती है और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचती है। जाहिर तौर पर पार्टी नेतृत्व होता है वो उसकी ईगल आई भी होता है, वो पूरे राज्य के हित को सारगर्भित रूप से देखती है, जबकि विधायक अपने निजी लाभ हित को पहले आकलन कर लेते हैं। इसलिए विधायकों की राय बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आज का जो नेतृत्व है उसमें विधायकों की राय को बहुत ज्यादा वजन दिया जाए ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए इस सलाह मशवरे के बावजूद पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगा वही आखिरी फैसला होगा, और वो जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें सुना दिया जाएगा पर्यवेक्षकों के जरिए, और जाहिर तौर पर पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जा रहे हैं। राजनाथ सिंह बड़े पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बड़ा कद है उनका, बड़ा वजन है। जाहिर तौर पर उनको वहां पर भेजने का मतलब ही ये है कि पार्टी जो भी फैसला ले तो राजनाथ सिंह के ऑरा के भीतर उस फैसले को सभी विधायक मान्य करें, चाहे वो कुछ भी फैसला। बिल्कुल विकास, देखिए एक और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एन वक्त पर ऐसे फैसले बीजेपी ले लेती है जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होता, यानी कुछ शॉकिंग फैसले भी ले लेती है, जो उत्तराखंड में 2 बार हमने देखा है, ऐसे नामों पर मुहर लगाई गई जो चर्चा में भी नहीं थे, इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि कोई नया नाम निकल कर सामने आ जाए पटल पर? बात कर रहे हैं उसमें